दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलामात कयामत में से ये है कि इल्म दीन कम हो जाएगा, जहल जाहिर हो जाएगा, जना बकसरत होगा, औरतें बढ़ जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे, हत्ता के 50 औरतों का निगरान सिर्फ एक मर्द रह जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 81। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सो रहा था, इसी हालत में मुझे दूध का प्याला दिया गया, मैंने खूब अच्छी तरह पी लिया, हत्ता के मैंने देखा कि ताजगी मेरे नाखूनों से निकल रही है, फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर बिन अल खत्ताब को दे दिया। साहबा रदियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, आपने इसकी क्या ताबीर ली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म। सही बुखारी हदीस नंबर 82। हज्जतिल वदा में रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के मसाइल दरियाफ्त करने की वजह से मिना में ठहर गए, तो एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने बेखबरी में ज़िबाह करने से पहले सर मुंडा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ज़िबाह कर ले और कुछ हर्ज नहीं। फिर दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि मैंने बेखबरी में रमी करने से पहले कुर्बानी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब रमी कर ले और पहले कर देने से कुछ हर्ज नहीं। इब्ने उमरो कहते हैं, उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ का भी सवाल हुआ जो किसी ने आगे और पीछे कर ली थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अब कर ले और कुछ हर्ज नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 83। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके आखिरी हज में किसी ने पूछा कि मैंने रमी करने यानी कंकर फेंकने से पहले ज़िबाह कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया और फरमाया, कुछ हर्ज नहीं। किसी ने कहा कि मैंने ज़िबाह से पहले हलक कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से इशारा फरमा दिया कि कुछ हर्ज नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 84। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हर्ज बढ़ जाएगा। आपसे पूछा गया कि या रसूलल्लाह, हर्ज से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को हरकत देकर फरमाया, इस तरह गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कत्ल मुराद लिया। सही बुखारी हदीस नंबर 85। मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे वहेब ने, उनसे हश्याम ने फातमा के वास्ते से नकल किया, वो अस्मा से रिवायत करती हैं कि मैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई, वो नमाज पढ़ रही थीं। मैंने कहा, लोगों का क्या हाल है? तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी सूरज को ग्रहण लगा है। इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह पाक है। मैंने कहा, क्या ये गहन कोई ख़ास निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया, यानी हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई, हत्ता कि मुझे गश आने लगा तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर नमाज के बाद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ़ की और उसकी सिफत बयान फरमाई। फिर फरमाया, जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी, आज वो सब इस जगह मैंने देख ली, यहाँ तक कि जन्नत और दोजख को भी देख लिया, और मुझ पर ये वही की गई कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे। मिसल या क़ुर्ब का कौन सा लफ्ज़? हज़रत अस्वा ने फरमाया, मैं नहीं जानती। फातिमा कहती हैं, यानी फितना दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। कहा जाएगा कब्र के अंदर कि तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? तो जो साहिब ईमान या साहिब यकीन होगा, कौन सा लफ्ज़ फरमाया हज़रत अस्मा ने मुझे याद नहीं, वो कहेगा
वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए, तो हमने इनको कबूल कर लिया और इनकी पैरवी की। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तीन बार इसी तरह कहेगा, फिर उससे कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता था। और बहरहाल मुनाफिक या शक्की आदमी, मैं नहीं जानती कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ हज़रत अस्मा ने इस्तेमाल किया। तो वो मुनाफिक या शक्की आदमी कहेगा कि जो लोगों को मैंने कहते सुना, मैंने भी वही कह दिया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। सही बुखारी, हदीस नंबर 86। अब्दुल क़ैस का वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि कौन सा वफ़द आया है या ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा, रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो कौम को आना, या मुबारक हो इस वफ़द को जो कभी न रुसवा हो न शर्मिंदा हो। इसके बाद उन्होंने अर्ज़ किया कि हम एक दूर दराज कोने से आपके पास आए हैं और हमारे और आपके दरमियान कुफ्फार मुज़र का कबीला पड़ता है। उसके खौफ की वजह से हम हुरमत वाले महीनों के अलावा और अय्याम में नहीं आ सकते, इसलिए हमें कोई ऐसी कतई बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को ख़बर दे दें और इसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चार बातों का हुक्म दिया और चार से रोक दिया। अव्वल उन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाएं, फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना, और ये कि तुम माल गनीमत से पाँचवा हिस्सा अदा करो। और चार चीज़ों से मना फरमाया, दुबा, हंतम, मुज़फ़त के इस्तेमाल से। और चौथी चीज़ के बारे में शौबा कहते हैं कि अबू हमज़ा बसा औक़ात नक़ीर कहते थे और बसा औक़ात मुक़ीर। इसके बाद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बातों को याद रखो और अपने पीछे रह जाने वालों को भी इनकी ख़बर कर दो। सही बुखारी, हदीस नंबर 87। उकबा ने अबू एहाब बिन अज़ीज़ की लड़की से निकाह किया तो उनके पास एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने उकबा को और जिससे उसका निकाह हुआ है उसको दूध पिलाया है। यह सुनकर उकबा ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तूने मुझे दूध पिलाया है, न तूने कभी मुझे बताया है। तब सवार होकर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए और आपसे इसके मुतालिक दरियाफ्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस तरह तुम उस लड़की से रिश्ता रखोगे, हालांकि उसके मुतालिक ये कहा गया। तब उकबा बिन हारिस ने उस लड़की को छोड़ दिया और उसने दूसरा खावंद कर लिया। सही बुखारी, हदीस नंबर 88। हज़रत उमर से रिवायत है कि मैं और मेरा एक अंसारी पड़ोसी दोनों अतराफ मदीना के एक गांव बनी उमैया बिन जायद में रहते थे, जो मदीने के पूरब की तरफ बुलंद गांव में से है। हम दोनों बारी बारी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत शरीफ में हाज़िर हुआ करते थे। एक दिन वो आता, एक दिन मैं आता। जिस दिन मैं आता उस दिन की वही की और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदा दीगर बातों की उसको ख़बर दे देता था, और जब वो आता तो वो भी इसी तरह करता। तो एक दिन वो मेरा अंसारी साथी अपनी बारी के रोज़ हाजिर खिदमत हुआ। जब वापस आया तो उसने मेरा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटखटाया और मेरे बारे में पूछा, क्या उमर यहाँ हैं। मैं घबराकर उसके पास आया, वो कहने लगा कि एक बड़ा मामला पेश आ गया है, यानी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। फिर मैं अपनी बेटी हफ्सा के पास गया, वो रो रही थी। माँ ने पूछा, क्या तुम्हें रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है? वो कहने लगी, मैं नहीं जानती। फिर मैं नबी की खदमत में हाजिर हुआ। मैंने खड़े खड़े कहा कि आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये अफवाह गलत है। तब मैंने ताज्जुब से कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। सही बुखारी, हदीस नंबर 89। हज़्म बिन अबी काब ने रसूलल्लाह की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फ़लाँ शख्स माज बिन जबल लंबी नमाज पढ़ाते हैं, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दिन भर ऊँट चराने की वजह से रात को थक कर चकनाचूर होता हूँ और तवील क़िराअत सुनने की ताकत नहीं रखता। अबू मसूद रावी कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज के दौरान इतना गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाने लगे हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो वो हल्की पढ़ाए, क्योंकि इनमें बीमार, कमज़ोर और हाजत वाले सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी, हदीस नंबर 90।